मौजूद हैं रिजवाना खान सैफी के यहाँ पर और जानते हैं उनसे कि किस तरीके से ये यात्रा की शुरुआत करेंगी। तो आइए रिजवाना जी से बात करते हैं। जी मेरा नाम रिजवाना है, रिजवाना खान सैफी पर्वतारोही, और 2013 में माउंटेनिंग की शुरुआत हुई थी पिलखवेगा मोहल्ला छद्दापुरी का, जहाँ की रिजवाना सैफी 1000 किलोमीटर की पद यात्रा पर पिलखवा से काठमांडू जा रही है। कल सुबह मारवाड़ इंटर कॉलेज से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगी। यात्रा की हरी झंडी पिलखवा चेयरमैन विभू बंसल दिखाएंगे। आइए जानते हैं उनके परिवारजनों से, इस समय मौजूद हैं उनके घर पर, मौजूद हैं रिजवाना खान सैफी के यहाँ पर और जानते हैं उनसे कि किस तरीके से ये यात्रा की शुरुआत करेंगी। तो आइए रिजवाना जी से बात करते हैं। जी मेरा नाम रिजवाना है, रिजवाना खान सैफी पर्वतारोही, और 2013 में माउंटेनिंग की शुरुआत हुई थी। अब जो ये मेरा मिशन है वो है माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना, क्योंकि मैं बहुत सालों से इसका प्रयास कर रही थी लेकिन कहीं ना कहीं असफल हो जाती थी, सपोर्ट नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार मैंने जो योजना बनाई है इसके लिए मैं कल 7 मार्च 2024 को मैं ये यात्रा शुरू करूंगी, पिलखवा टू काठमांडू नेपाल, जो मैं पद यात्रा ये कर रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबका इसमें सहयोग हो, हर उस इंसान का सहयोग है इसमें जो चाहता है बेटियां आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करे। जैसे कि आप ये यात्रा शुरू कर रही हैं तो आपकी फैमिली का क्या, आपको क्या सहयोग मिल रहा है? मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरे पापा, मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा मेरे पास में ही है, अम्मी है और भाई है, बहुत सपोर्ट है क्योंकि ये जानते हैं कि मैंने इसके लिए कितना मेहनत किया है और इसमें पूरी फैमिली लगी है। जब से सपोर्ट मुझे हो रहा है तो इनका पूर्ण मुझे सपोर्ट है कि मैं आगे बढ़ूं, और सभी का सपोर्ट चाहिए, खाली आज अकेली का नहीं, क्योंकि अगर आज रिजवाना एवरेस्ट के लिए जा रही है तो पूरा भारत जा रहा है। आज आपकी पुत्री माउंट एवरेस्ट को फतह करने जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही गर्व की बात है और मैं भी जा रहा हूँ, काठमांडू तक मैं साथ जाऊँगा, उसके बाद आगे ये माउंट एवरेस्ट पर अकेली जाएगी। और आपको कैसा महसूस हो रहा है आपकी बेटी फतह करने जा रही है? ये बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की, इसलिए मैं भी साथ जा रहा हूँ। प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार के से कुछ कहेंगे? मैं योगी जी से और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जैसे औरों के सपने पूरे करें ऐसे हमारी बेटी के भी सपने पूरे हो जाने चाहिए। हमारी भतीजी रिजवाना सैफी माउंट एवरेस्ट के लिए जा रही है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है और हम उत्तर प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं कि इसकी हौसला अफजाई करें, इसकी मदद करें, जिस तरह और प्रोग्रामों करते हैं उसी तरह इसके लिए भी सहयोग करें, ये अपील है हमें। आज जो प्रेस वार्ता हुई है किसके रिगार्डिंग हुई है? मेरा नाम रिजवाना है और मैं एक पर्वतारोही हूँ, और जो ये प्रेस वार्ता आज हो रही है वो इसलिए क्योंकि मैं कल 7 मार्च 2024 से सुबह 10 बजे पैदल यात्रा कर रही हूँ माउंट एवरेस्ट के लिए, पिलखवा टू काठमांडू नेपाल, वहाँ से फिर मैं अपनी एवरेस्ट की यात्रा चालू होगी मेरी। तो इसका पर्पस मेरा यही था कि सभी का सपोर्ट और सबका सहयोग हो तो मैं अपने मिशन जो माउंट एवरेस्ट का सपना देखा है उस पर जाकर भारतीय तिरंगा फहराकर अपने देश अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब मेरे इस मिशन में मेरा साथ दे रहे हैं, आज आप सभी लोग आए हैं तो तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप हैं तो हम सबको बहुत बड़ा सपोर्ट है और आपके सपोर्ट के बिना मेरा ये अभियान अधूरा है। अच्छा, आपसे पहले आपने कोई माउंट एवरेस्ट? हाँ, माउंट एवरेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स और आपको एक्सपीडिशन करना ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्टिंग है 2013 में मैंने माउंटेनिंग कोर्स किया था जवान इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विक्टर स्पोर्ट्स पहलगाम कश्मीर से, अल्फा ए ग्रेड के साथ मैंने वो कंप्लीट किया था, और एडवांस कोर्स मैंने जवान इंस्टीट्यूट से ही किया था अल्फा ए ग्रेड के साथ, उसमें मैंने माउंट स्टोक कांगड़ी 6135 मीटर फतेह किया था, उसके बाद माउंट गोलफ कांगड़ी 6125 मीटर फतेह किया था, माउंट यूनाम 6111 मीटर फतेह किया था, माउंट फेंसिक पीक 5289 मीटर फतेह किया था, माउंट दंगमाचन 5058 मीटर फतेह किया था, उसके बाद स्कीइंग कोर्स मैंने किया है जो बर्फ़ पे जब चलते हैं तो उसके लिए स्कीइंग कोर्स होता है, बेसिक और एडवांस कोर्स मैंने किया था अल्फ़ा ए ग्रेड के साथ, कई मैंने मैराथन करी है जिसमें मुझे गोल्ड और सिल्वर मेडल है। मेरा जो सफ़र है
ये मैं बहुत ये मेरा सपना मेरे बचपन से था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करूँ, उस पर जाके भारतीय तिरंगा फहराऊँ। इस सपने के साथ साथ मैंने अपने जैसे मेरी जर्नी रही, संघर्ष भरी रही, आगे अभी भी ये संघर्ष जारी है। और ये सफ़र 2024 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करके भारतीय तिरंगा फहराकर अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करना है। समय हमारे साथ मौजूद है रिजवाना खान सैफी के पिताजी भी, आइए जानते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इम्तियाज अली है। जैसे कि आपकी बेटी रिजवाना खान काठमांडू यात्रा पर जा रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत खुशी की बात है और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद साथ जा रहा हूँ इस मिशन में, मैं खुद साथ जा रहा हूँ काठमांडू तक और उसके बाद वापस आऊंगा। तो इस समय मैं इंडिया रिपब्लिक के साथ अशोक कुमार लप्पा।